हिसाब से कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइज था, और बजाज कैपिटल का ये एक बॉम्बे में एक पहला इवेंट था, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। काफ़ी सारा अच्छा टर्नआउट हुआ, सेशंस भी बहुत इंटरेक्टिव थे, तो उस हिसाब से ऑल इन ऑल एक अच्छी शुरुआत रही मुंबई में बजाज के लिए। सर एक मतलब अभी एक राकेश झुनझुनवाला जी का एक वर्ड था ना कि हाई परचेज करो और लोवेस में सेल करो, इसके बारे में आप बताओगे? जो बोलते हैं ना, जैसे आपने सो राकेश जी की फिलॉसफी थी वधारे वधारे लेवानू घटाड़े घटाड़े बेचवानू, मतलब जो है बढ़ते बढ़ते में लेना और घटते घटते में बेचना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऊपर में ही लो और नीचे में बेचो, बात यह है कि जो चीज़ अच्छी है उसके भाव बढ़ते रहते हैं और जो चीज़ ख़राब है उसके भाव घटते रहते हैं। इसका मुद्दा ये है कि हमें इस बाज़ार को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये बाज़ार मूर्ख है, मैन्युपुलेटेड है, ये है वो है, ये बात सही नहीं है। बाज़ार एक बहुत ही समझदार और इफ़ेक्टिव चीज़ है। गलती हमसे होती है कि हम उसको सुनते नहीं हैं। हमारी जो क्षमता होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर के, ठीक है अच्छी कंपनी तो ले ली, बट एक बाज़ार की भी आवाज़ होती है, बाज़ार का भी एक रुख होता है, और उस रुख को समझना मेरे हिसाब से उनकी खासियत थी और ये मैंने उनसे सीखा है। मेरे दोस्त हैं, उनके लिए उनका न्योता था, तो उस हिसाब से मैं आया हूँ प्रेजेंटेशन देने। सो सर, आने वाले टाइम में व्हाट यू थिंक कि मिट्टी कहाँ पे रह सकती है? देखिए, ये तो क्या है कि ये जर्नी है मार्केट्स की। ब्यूटी है कि अगर देश बढ़ता रहे, इकोनॉमी बढ़ती रही, तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन तकलीफ क्या होती है कि मार्केट सीधी ऊपर नहीं जाती, अच्छे दिन रहते हैं, बुरे दिन रहते हैं, लोग बुरे दिन पे डर जाते हैं, बहुत बार बेच देते हैं, अच्छे स्टॉक भी बेच देते हैं। तो मेरे हिसाब से कि मेरा अनुभव तो ये रहा है कि मैंने तो 30 साल में देखा है मार्केट 1000 से सेंसेक्स 80,000 के ऊपर है, लेकिन तकलीफ ये है कि लोग बस छोटी जो मार्केटिंग करवटें होती है उनमें ही उलझ जाते हैं, और शायद जो बड़ी स्टोरी है, जो बड़े मूव है, उन पे विजय नहीं पा सकते। सर, जिस हिसाब से कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बाजार हर दिन टूट रहा है, आपको क्या लगता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो दंगे का कहीं ना कहीं वो इस कारण है, या फिर आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके इजराइल और हमास का इशू है। अगर इजराइल और हमास का इशू रहता तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं घटता, पूरी दुनिया की मार्केट घटती, लेकिन दुनिया की मार्केट तो सब लाइफ टाइम हाई पे है, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान घटा है। तो इसका कारण इजराइल हमास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इवेंट है उस पर इंडिया का इतना बहुत इफेक्ट भी नहीं है। जो मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में मार्केट घट रहा है, उसका कारण है कि जो चाइनीज़ मार्केट्स है, बहुत सालों से अंडर परफॉर्मेंस थी, लोगों के पोर्टफोलियो में अंडर वेट थी, और वो एक रिवर्स हो रहा है। तो पैसा जो है इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और चाइना में जा रही है, ये एक जो पे ट्रेड होता है वो पे ट्रेड का रिवर्सल हो रहा है। सर, हमारे व्यूअर्स को आपकी तरफ से क्या कहेंगे कि आखिर इस मार्केट में उन्हें किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि मेरी कोर फिलॉसफी है, जो हमारा PMS है उसको रन करते हैं, और हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है उसकी फिलॉसफी है बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, यानी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्राइस बिहेवियर है उन्हें लीजिए, और जहाँ भी अर्निंग्स नीचे है और प्राइस घट रहा है उसे बेचिए। ये जो एबिलिटी होती है, ये कहने को बहुत ईजी है, पर इसे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन जो है मैंने सीखा है कि इस स्टॉक मार्केट में सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वही एक चीज़ है जो हमें आउट परफॉर्मेंस देती है। थैंक यू ग्रैटिट्यूड के साथ। अवार्ड्स एंड ऑल आर एक्चुअली बाय प्रोडक्ट्स। मेरे हिसाब से व्हाट वी वांट टू लुक एट, हमें जो देखना चाहिए वो हम क्लाइंट्स के लिए देखना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाएं वर्ल्ड ओवर से भी, या हम क्या बेटर से बेटर कर सकें। तो उस इंटेंशन से कि हम क्या अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट ला सकते हैं, कितना अच्छा रिसर्च दे सकते हैं, कितनी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उस हिसाब से अगर कुछ अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, अच्छा ही लगता है। बट अवार्ड्स इज़ नेवर एन इंटेंशन, इंटेंशन इज़ टू गिव बेटर सर्विस टू द क्लाइंट्स। एंड आई थिंक बजाज जो 60 साल से कर रहा है, फिर वो जो KK बजाज साहब का स्टेटमेंट है, मैनेज योर क्लाइंट्स मनी लाइक योर रिटायर्ड फादर्स मनी, हु विल नॉट गेट एनी न्यू मनी अगेन, यू नो प्रॉब्ली नो न्यू इनफ्लो। सो वो एक स्टेटमेंट काफ़ी एथिकल स्टेटमेंट है। टू मेंटेन ऑल्सो इज़ वेरी वेरी
filled with responsibility while I work. So I think we are more than honored to do that. So आप जिस हिसाब से आपने बजाज ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ का इवेंट किया हुआ है, आखिर आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, लेकिन क्या सी ऐसे वी वुड वांट टू डू सच इवेंट्स, ये अवेयरनेस के लिए हैं. इस इवेंट में हम यही बता रहे हैं कि मार्केट किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्या ट्रेंड्स हमें नज़र आ रहे हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही होती हुई नज़र आ रही हैं. जैसे एक दो पॉइंटर्स कहे थे कि 30 साल में जो सेंसेक्स हैं उसमें से सिर्फ 6 कंपनीज बची हैं आज की तारीख में, लास्ट 30 ईयर्स ऑफ द सेंसेक्स की जर्नी जो थी. ऐसे काफ़ी सारे पॉइंटर्स जो हैं हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, और हमें क्या लग रहा है कि आगे जब ये इकॉनमी 3.5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन होगी, तो हमें क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर्स, कौन से कंपनीज, कौन से यू नो एरियाज़ में डेवलपमेंट होगी, और क्या हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू नो एज अ क्लाइंट, एज एन एडवाइज़र टू द क्लाइंट, वी वुड वॉन्ट टू सी कि क्या हम एक नेक्स्ट रनवे ढूंढ सकते हैं क्लाइंट के लिए. सो वो एक एंडेवर है. जिस हिसाब से आपने बताया कि आने वाले टाइम में निफ्टी विल बी मोर देन 1 लाख करोड़, आपको क्या लगता है? सी आई थिंक वो हमारे जो फंड मैनेजर है अतुल सूरी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया आज के सेशन में. सो मैं कहता हूँ कि जब 2500 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हो गए थे, काफ़ी सारे स्टॉक्स हुए थे तो म्यूचुअल फंड्स आए थे, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए तो और नए प्रोडक्ट्स आए, PMS AIF करके सारे प्रोडक्ट्स आए. अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स जो 400 PMSs हैं, 2500 म्यूचुअल फंड्स हैं, उससे भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से कौन से म्यूचुअल फंड्स को हम रिसर्च करके अप्रूव करना चाहते हैं क्लाइंट्स का. सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर अप्रूवल दे रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, तो काफ़ी मेहनत करके हम क्लाइंट के पास कह रहे हैं कि ये 3-4 जो म्यूचुअल फंड है, 3-4 PMSs है, 3-4 AIFs है, इनको आप देख सकते हैं. तो ये प्रोसेस में काफ़ी एफर्ट लगता है, और मेरे हिसाब से यही अभी सबसे बड़ा एफर्ट लगना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट की एडवाइजरी आई थिंक सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है आज की तारीख. सो सर, आप हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? कि इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा. वी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, इन मार्केट्स, लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल रखिए क्योंकि आज डेट मार्केट में, आज की तारीख में डेट मार्केट में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं. गोल्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, सिल्वर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैं एक और एग्जांपल कहता हूँ कि मल्टी एसेट, जिसमें एक मल्टी एसेट फंड होते हैं जिसके अंदर 15-20-25% में इक्विटीज़, डेट, आर्बिट्राज और गोल्ड सिल्वर ऐसा करके बाइफर्केटेड रहता है. मल्टी एसेट फंड ने लास्ट 20 साल में 14% रिटर्न दिए, इक्विटीज़ ने लास्ट 20 साल में 14% रिटर्न दिए, पूरा 100% इक्विटी हुआ. सो रिस्क इक्विटी में सबसे ज़्यादा है कंपैरेटिवली. सो आप थोड़ा रिस्क कम करके भी रिटर्न्स उतना बना सकते हैं. तो हाई रिस्क ज़रूरी नहीं कि आपको हाई रिटर्न देगा. तो वहाँ पे हमारा रोल आता है कि हम क्या सजेस्ट करें आपको. यू नो मल्टी एसेट फंड लेने से अच्छा हम मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे रिटर्न्स बना सकते हैं और रिस्क कम से कम ले सकते हैं. तो हम अपने आप को कहना चाहते हैं कि हम रिस्क मैनेजर ज़्यादा हैं, वेल्थ मैनेजर से बेटर हम रिस्क मैनेजर एक वर्ड यूज़ करना चाहते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली वही है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. यू नो रिस्क ही कितना ले रहे हैं वो कंट्रोल कर किया जा सकता है, रिटर्न्स ऑब्वियसली आप एस्टिमेट कर सकते हैं, रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक, थैंक यू सो मच. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडियंस आर नाउ गेटिंग इन टू लेगेसी प्लानिंग, दे आर लुकिंग एट द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर. सो फॉर मी दिस इज द मोस्ट ऑपरचून टाइम टू गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट इट. The second one is the, as Suri sir says that the purchase is the high and sell is the low amount. You're talking about the stock markets? Yes, there are converts that purchase is the high and sell is the lower. Yeah, that means that a lot of clients who are buying or the investors who are buying are now retaining whatever they're buying in the portfolio in anticipation of the growth of the share price. Okay. So a lot of people will not be looking at selling it because when the markets are on the high, the tendency is to hold the stock in their portfolio. So that is what he meant. What about the Bajaj Capital? It's a book for that? Bajaj Capital is, as you saw, that it's more than 50 years old and they have been in the thick and thin of this market by, I think, by associating with most of the companies. They have done a lot of IPO support. They have supported a lot of mutual funds, both on the public sector and private sector side. So I feel personally, the kind of legacy they carry, they should do extremely well. Thank you. Okay. Bajaj Capital
measuring from the performance in the various fields, is undoubtedly the most brilliant company that is around here. But that doesn't sell everything. Everybody has certain times. Sometimes you have different times, different people progress. Why we can expect a fantastic progress with Bajaj Capital, you should not keep it a very short time range and judge. That's the only thing I can say, because Bajaj Capital has got fantastic meritorious people in their staff. So you can be absolutely safe being with them. Thank you. Thank you so much. Yeah. Explain about the Bajaj wisdom. I remember once Prashant Bhushan, the former finance head of HDFC, said, if you're very intelligent, go to the space center, don't stay here. What the investment needs is an attitude. Well, there was a great amount of truth in it, in the sense, if you take the logical route, it becomes too complex. It's not that it's not possible, but it's too complex that depending, taking that route could be quite hazardous. So probably a few things that we should keep in mind before going for investment is that, what is your time horizon? Are you 70 years old, 50 years old, 30 years old? Do you have how many years of lifespan to expect a return? Depending on that, now for example, as you said, if you got about 30 years of lifespan, probably this is excellent. What you said is so correct. Come what may, come what happens in the world, the stock market is going to go up, because business is the future. Nobody can live without the business prospering. The jobs are created by business, the returns have to come from business, everything has to come from business. So the most important thing is you think, define what is your time horizon and what is your expectation. And as you rightly said, one thing I thought was true, I don't know whether it's true for 2-3 years, whenever prices go up, buy. Whenever prices come down, sell. It may not be very true for a short duration. But if you see 3, 4, 5, 6, 10, 12 years, it's absolutely true. Thank you. Sir, we all got two interesting speakers for the audience. Both of them were educative and informative. And it was a good program. One important aspect of wealth planning is, of course, legacy. So certain new products we learnt about, which at least I was personally not aware, from Neelam. And the other speaker was, of course, Atul Suri, who presented the marathon trends without talking about the portfolio. He managed to convince everyone in the audience that a great time is ahead for India, which generally, of course, we all know. But his presentation was very, very nice and caught the interest of almost everyone in the audience. And I think many people are going to interact to know more about marathon trends and how they can make some money out of that. So, and the credit, of course, goes to Bajaj Capital for getting these speakers to talk and inviting us, for which I would like to thank them. And it was a very nice program.